Hello friends, welcome to another video, and in this video I'm going to tell you a very helpful topic, and this topic is on how can we cure our diabetes. So let's begin to our video. So friends, ये जो हमारी video है इसमें हम आज बात करेंगे हम घर बैठे अपनी diabetes को कैसे control कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही हमें बहुत सारे अच्छे benefit मिलेंगे ये juice के द्वारा. So ये जो जूस है ये लेडी फिंगर के द्वारा बनेगा जैसे कि आप देख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए. तो इस ये वीडियो देखने के पहले एक सब्सक्राइब कर दीजिए. सो लेट्स बिगिन टू अवर वीडियो. सो यहाँ पे स्टेप नंबर वन है कि जो हमारी लेडी फिंगर उसे हमें अच्छे तरीके से वॉश करना है और ये ध्यान रखिए उसमें बिल्कुल ही खुरदरापन नहीं रह जाना चाहिए. उसे अच्छे से एकदम वॉश करके उसे क्लीन कर लीजिए सूखे टॉवल से. और उसके बाद हमें वही लेडी फिंगर लेके उसके जो टॉप है वो कट करके उसके हाफ में एक कट लगा के उसे पानी में डिप कर देना. और ये ध्यान रखिए जो हमने वाटर लिया वो एक ही गिलास होना चाहिए जितना आप सुबह उठ के पीना चाहते हो. तो उसे डिप करने के बाद सेम प्रोसेस वो तीनों लेडी फिंगर पे कर दीजिए. और ये जूस हमें रात को ऐसे बना के रखना है और सुबह मॉर्निंग में नेक्स्ट डे आपको पी लेना है. और इसके बेनिफिट और भी बहुत सारे हैं जैसे कि इट हेल्प्स इन ट्रीट डायबिटीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया ही है. और ये हमें हार्ट की डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है. ये हमें एड्स कैंसर से भी प्रिवेंटेशन देता है और ये हमारे डाइजेशन को भी कंट्रोल रखता है. ये हमारे जो विजन है इसमें भी बहुत सारा इम्प्रूव करता है. और ये हमारे सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे जो लगा वो बूस्ट स्किन हेल्दी. ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है. और ये हमारा यहाँ पे राड में रखा हुआ. सो फ्रेंड्स ये मॉर्निंग की क्लिप है. यहाँ पे मैंने वही वाटर ले लिया जो रात में मैंने रखा था और इसमें सबसे पहले वही लेडी फिंगर बाहर सब निकाल देनी है. ये आप देख सकते हैं जो उसका एक बीच में जूस होता है वही जो हेल्पफुल है वो कितनी अच्छे तरीके से निकल रहा है. उससे अच्छे से क्लीन कर लेना पहले, फिर हम बाहर निकाल लेंगे. और वीडियो देखते देखते अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा हार्डवर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो. सो can we get more motivate from your likes. So आप एक help भी कर सकते हैं subscribe करके and support also. So ये देख सकते हैं मैंने ये पूरा चारों की चारों बिंदियों को बाहर निकाल लिया है. ये जो एज्ड पीपल होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल जूस है क्योंकि ये जो घुटनों में दर्द वगैरह होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है as you can see. और ये जूस अगर आप 40 डेज और अगर आप इसे अपने लाइफ में अजमाई लोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाएगा आपके लिए और आप इसे एक्सपीरियंस भी करोगे. सो ये सब बिंदियों को मैंने निकाल लिया है बाहर और अब इसे डिप करके पीना है. ये ध्यान रखिए कि आपको एकदम से नहीं पीना है, इसे आपको डिप करके पीना है जैसे कि मैं आपको. सो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है वो हमें डिप करके पीना है. ये सिर्फ वाटर नहीं है, अब हमारा मॉर्निंग जूस बन चुका है जो कि अगर आप अपनी लाइफ में अजमाओगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो डिप करके पीना है. 1 2 3 4 एंड गो. एंड ऑल्सो विजिट माई चैनल फॉर एक्स्ट्रा वीडियोज. यू विल गेट सो मैनी वीडियोज रिलेटेड टू हेल्थ DIYs एंड एक्स्ट्रा एज यू कैन सी इन माई चैनल. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो ये मेरा ग्लास खत्म.